Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नागिन के लेटेस्ट सीजन में कुछ वीक्स पहले ही जनरेशन लीप इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां अब हमें नई नागिन सेस नागिन प्रार्थना की कहानी देखने को मिल रही है। पर दोस्तों, ये पहला सीजन नहीं है जहां जनरेशन लीप इंट्रोड्यूस किया गया हो। इससे पहले नागिन सीजन 2, 3 और 5 में भी जनरेशन लीप लाया गया है और कहानी को नई नागिन के साथ दिखाया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम आपको दिखाने वाले हैं आफ्टर जनरेशन लीप इन नागिन की लीडिंग एक्ट्रेसेस का फर्स्ट टाइम नागिन ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा, यानी कि पहली बार कैसे वो इंसान से नागिन में ट्रांसफॉर्म हुई। तो शुरुआत करेंगे नागिन 2 से, जहां नागिन 1 की आफ्टर जनरेशन लीप स्टोरी दिखाई गई, जिसे फिर से मौनी रॉय ने प्ले किया था, जहाँ हम देखते हैं एक ऊँची पहाड़ी में खड़े होकर शिवांगी अपनी माँ के मरने का विलाप करती है और अपने माँ बाप के कातिलों से बदला लेने का प्रण लेती है, जिसके लिए भगवान शिव से वो शक्तियाँ मांगती है, जहाँ वो डिसबैलेंस होती है और ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि इतनी ऊंची पहाड़ी से गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद हम उसे फर्स्ट टाइम देखते हैं नागिन में ट्रांसफॉर्म होते हुए, और कुछ इस तरह से उनका नागिन ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया गया था। तो दोस्तों, अब आएंगे नागिन सीजन 3 में, जहाँ 24 साल का जनरेशन लीप दिखाया गया था, जहाँ सुरभि ज्योति ने ही बेला के पुनर्जन्म नागिन श्रावणी के कैरेक्टर को प्ले किया था, जहाँ हम देखते हैं श्रावणी अपने 25वें जन्मदिन में एक बड़े से सांप को अपने कमरे में देखती है, जिसे देख वो पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो जाती है और वो सांप उसे अपने पीछे पीछे शिव मंदिर तक ले जाता है, और उसके पीछे आते आते श्रावणी मंदिर में एंटर करती है और हम देखते हैं कुछ सांप श्रावणी की बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, जहाँ इन सांप के पीछे हम देखते हैं श्रावणी की ट्रांसफॉर्म लुक नागिन बेला के रूप में, जहाँ श्रावणी को अपना पूरा अतीत याद आ जाता है और वह अपने दुश्मनों से बदला लेने की ठानती है। वह श्रावणी का नागिन लुक ऑलमोस्ट बेला जैसा ही था। तो दोस्तों, अब आएंगे सीरियल कुछ तो है नागिन एक नए रंग पर, जो कि नागिन 5 का स्पिन ऑफ था, जहाँ आफ्टर जनरेशन लीप कृष्णा मुखर्जी ने नई नागिन प्रिया के किरदार को निभाया था, जहाँ हम देखते हैं आदिसाथ के काटने से प्रिया की मौत हो चुकी है और उसकी माँ प्रिया को लेकर एक पावरफुल क्रिएचर के पास जाती है, जहाँ वो उसे प्रिया को वापस जिंदगी देने के लिए कहती है। तब वो क्रिएचर उसे बताता है कि प्रिया की मौत एक आदिसाथ के जहर से हुई है, तो इस जहर का निवारण भी जहरी है, और तभी वो एक बड़े से सांप को बुलाता है, जो कि प्रिया को एक परी से नागिन में बदलने के लिए 5 शक्तिशाली नागिन शिवनिया, शिवांगी, बेला, वृंदा और बानी को बुलाता है, और ये 5 नागिन प्रिया को अपना थोड़ा थोड़ा जहर देकर जिंदा कर देती है, और यहाँ से प्रिया बदल जाती है एक पावरफुल नागिन में, तो रिहान से बदला लेने की ठानती है। वेल, रेड नागिन के कॉस्ट्यूम में प्रिया का लुक काफ़ी शानदार रहा था। तो दोस्तों, फाइनली आएंगे नागिन 6 में, जहाँ जनरेशन लीप के बाद कहानी प्रथा की बेटी प्रार्थना के ऊपर दिखाई जा रही है, जिसे फिर से तेजस्वी प्रकाश प्ले कर रही है, जहाँ हम देखते हैं प्रार्थना एक जर्नलिस्ट है, जिसे रुद्र एक असाइनमेंट देता है कि उसे एक महासपेरा का इंटरव्यू लेना है, जिसके लिए प्रार्थना घर से बाहर निकलती है और उसे बाहर तारा मिलती है, जो कि उसे शिव मंदिर भेज देती है। शिव मंदिर के बाहर वो सपेरा अपने साथियों के साथ प्रार्थना को कैद करने के लिए बीन बजाने लगता है, जिससे प्रार्थना बेचैन सी हो जाती है, लेकिन किसी तरह वो वहाँ से भागकर शिव मंदिर के अंदर चली जाती है, जो जगह उसे जानी पहचानी सी लगती है, और वही रखी हुई शेष नागिन की पायल वो पहन लेती है, और एक बार फिर वो सपेरा और उसके साथी प्रार्थना को घेर कर बीन बजाने लगते हैं, जहाँ प्रार्थना फिर से बेचैन सी हो जाती है और तांडव करने लगती है, पर बीन की आवाज़ सुनकर वो बेहद ही कमज़ोर पड़ जाती है, जहाँ मंदिर के पास रखा दूध वो ग्रहण कर लेती है, और वही दूसरे सीन में हम देखते हैं उसकी माँ से नागमणि निकलकर सीधा प्रार्थना के अंदर बस जाती है, जिसके बाद प्रार्थना में कई सारी पावर्स आ जाती है और वह पूरी तरह से एक पावरफुल शेष नागिन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो उन सपेरों को मार देती है। वेल, प्रार्थना का नागिन लुक प्रथा से सिमिलर ही था, बट कुछ माइनर मेकअप एंड हेयर स्टाइल चेंजेस किए गए थे। तो दोस्तों, ये थी न्यू जनरेशन की फर्स्ट टाइम नागिन ट्रांसफॉर्मेशन लुक। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें अपने फेवरेट नागिन ट्रांसफॉर्मेशन जरूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।